दोस्तों, जब से हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल का फैसला रिजर्व रखा गया है, तब से तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। आप इनके बकावे में या इनके चक्कर में न आए, किसी प्रकार से आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मेल और फीमेल को लेकर अलग अलग से बातें बनाई जा रही है कि मेल में ये होगा, फीमेल में अलग होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा जब 5 तारीख को सुनवाई हुई थी तो मेन केस जो राकेश त्याग एंड अदर्स का था, उसकी सुनवाई हुई थी और उसी पर पूरी बहस हुई थी। उसके बाद 240 नंबर राकेश याग का था, उसके बाद 241 नंबर पर पूजा स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स का, ये फीमेल वाला केस था। तो इसके फैसले को बिना सुनवाई किए हुए रिजर्व रखा गया, तो इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि दोनों केस सेम है और दोनों में एक सा ही मैटर है, इसीलिए दूसरे केस को बिना सुनवाई किए ही रिजर्व कर दिया गया। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि मेल और फीमेल में जो फैसला आएगा वो दोनों पर लागू होगा एक ही फैसला। जो फैसला मेल कांस्टेबल वाली भर्ती पर आएगा वही फैसला इस पर भी लागू होगा, क्योंकि दोनों को रिजर्व किया गया है और फीमेल वाले को बिना किसी सुनवाई के रिजर्व किया गया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये केस रिजर्व किया गया है और इसका 241 नंबर लगा था 5 जुलाई 2023 को। आपको ये सोचना चाहिए कि जब जज ने फैसला अभी तक गुप्त रखा है, रिजर्व रखा है, फिर आप लोगों की बातों में आकर पैनिक क्यों हो रहे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी फैसला होगा बहुत जल्द होगा और साथ में अच्छा ही होगा, कोई ना कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी, किसी के साथ बुरा नहीं होगा। जो कोर्ट करेगा वो सोच समझकर ही करेगा। रिजर्व केस का एक नियम ये होता है कि इसके अंदर 6 महीने तक फैसले को रिजर्व रखा जा सकता है। 6 महीने तक किसी भी द्वारा कोई भी पिटीशन वगैरह, रिव्यू पिटीशन या फिर अन्य किसी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता। 6 महीने बाद ही रिजर्व केस में कुछ नया किया जा सकता है, चाहे रिव्यू पिटीशन हो या अन्य कोर्ट में इस केस को ले जाना हो, ये इसके अंदर नियम होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक इसे रोका जाएगा, बहुत जल्द ही आपको कोई ना कोई फैसला सुनने को मिलेगा। 5, 7 दिन या 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इसके बारे में कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिल जाएगी। आप इधर उधर की बातों में पढ़कर टेंशन में न आएँ और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।